हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। अब आप चाहे टैली ईआरपी 9 की बात कीजिए या प्राइम की, दोनों में कंडीशन सेम रहेगी। क्या है आज का टॉपिक बताता हूं। देखिए, अगर आप टैली में सेल्स की एंट्री पास कर रहे हैं, आप कोई भी कंपनी शायद आपके पास बनी होगी तो उसमें कुछ चीजें आपने परचेस करी होंगी। अब जब आप सेल्स के लिए एंट्री पास करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये मैं सेल्स वाउचर में हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर हमने डाला, एंटर किया और यहाँ पर जो है क्रेडिटर डेटर पार्टी का नाम आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये डेटर पार्टी हमारी गौरव नाम से है, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, एंटर करते हैं, डिफरेंट स्टेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर जो है आते हैं नीचे, तो यहाँ सेल्स का लेजर आता है। अब मान लीजिए कि राइस की बात है, तो यहाँ पर जो है राइस है, तो ये देखिए ये राइस है हमारा, तो राइस को हम सेल करेंगे। कितना सेल करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 किलो सेल करते हैं। यहाँ पर रेट अपने आप आ रहा है, लेकिन आप चाहे तो खुद से सेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने स्टैंडर्ड रेट नहीं सेट किया है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ खुद से डाल सकते हैं कि हम चावल 66 रुपए किलो बेचेंगे, ठीक है। लेकिन इसी चावल को जब हम दोबारा बेचेंगे तो हम इसको बेचेंगे 50 रुपए किलो। तो मान लीजिए 5 किलो बेचा 50 रुपए किलो, ये 55 आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे 50 एंटर कर देते हैं, 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, ठीक है। अब इसी चावल को डिफरेंट डिफरेंट रेट के हिसाब से बेचना चाहते हैं, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड रेट पहले तो सेट मत कीजिए। इसी को हम 45 रुपए के भाव से बेच सकते हैं, तो यहाँ पे जो रेट एंटर कर देंगे वो उसी के भाव से जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये तीनों जो है अलग अलग रेट है, यहाँ पे 2 किलो की बात है, 5 किलो की बात है और 6 किलो की बात है। तो देखिए 2 किलो लेंगे तो थोड़ा ज्यादा का पड़ेगा, फिर 5 किलो लेंगे, मैंने कोई रेट सेट नहीं किया, मैं सीधा एंट्री कर रहा हूं। तो अगर आपको इस तरह की 2-4 एंट्रीज करनी है तब तो आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खुद से रेट डाल दीजिए, जब आप सेल कर रहे हो तो वहां पे खुद से रेट डालिए और आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर एक आईजीएसटी का लेजर भी लगाता हूं, ये देख सकते हैं आईजीएसटी का लेजर आ गया। द गुड्स यहां लिख देते हैं हैव बीन सोल्ड, ठीक है, एंटर किया और इसे एक्सेप्ट करा लिया, तो ये आपका बिल हो गया। अब ये बिल कैसा दिखेगा, ये देख सकते हैं, ये हमारा बिल है ये वाला। और यहाँ पे अल्ट पी करके एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये दिखेगा भी कि ये किस तरीके का है। देख सकते हैं ये हमारा बिल है, इस तरीके से ये जनरेट होगा और नीचे आपको पूरी डिटेल मिल जाती है, इंटीग्रेटेड टैक्स कितना परसेंट लगा है, 5% लगा है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है और कितना टैक्स लगा हुआ है, ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे शो हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है।